आखिरकार ट्विटर का अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षद। अब तक हर वेरिफाइड अकाउंट के आगे ब्लू टिक दिखाई देता है, लेकिन अब कुछ वेरिफाइड अकाउंट्स आपको गोल्डन और ग्रे रंग के दिखाई देंगे। ट्विटर खातों को अब 3 रंगों के साथ वेरिफाइड किया जाएगा। 3 रंगों वाले नए अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को एलन मस्क ने दर्दनाक लेकिन कंपनी के हित के लिए जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके बारे में लंबी रिपोर्ट अगले सप्ताह जारी की जाएगी। कंपनीज के लिए गोल्डन टिक दिया जाएगा, जबकि सरकारी संस्थानों को ग्रे टिक मिलेगा। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए पहले की तरह ब्लू टिक दिया जाता रहेगा। मस्क ने कहा कि किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के नाम से बने ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जब तक कि अकाउंट होल्डर स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं करता है कि वो पैरोडी अकाउंट है। बता दें कि ट्विटर ब्लू के साथ यूजर्स अपने हैंडल का नाम, प्रोफाइल पिक्चर और फोटो बदल पाएंगे। अकाउंट के रीवेरिफाई होने तक ब्लू बैच को डिसेबल कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्विटर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि अकाउंट को दोबारा वेरिफाई होने में कितना समय लगेगा। अब वेरिफाइड ब्लू बैच के लिए प्रति महीना अमेरिकी $8 चुकाने होंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने वेरिफाइड मोबाइल नंबर से ही साइन अप करना होगा। वहीं iOS यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए एंड्रॉइड और वेब के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च करनी होगी, जिसके बारे में कंपनी ऑफिशियल ऐलान कर चुकी है। कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, हम ट्विटर ब्लू फिर से शुरू कर रहे हैं। यूजर्स को वेब पर सदस्यता के लिए $8 प्रति महीने और iOS पर ब्लू चेक मार्क सहित यूजर्स फीचर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए $11 प्रति महीने का भुगतान करना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एडिट ट्वीट, 1080p वीडियो अपलोड रीडर मोड और ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। बता दें कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस का 3rd वर्जन है, जो पहले वर्जन से काफी अलग है। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को सबसे पहले जून 2021 में लॉन्च किया गया था।